सावन माह को सकुशल संपन्न कराने के लिए वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस लगातार बैठकें आयोजित कर रही है। इस दौरान महत्वपूर्ण मंदिरों के पुजारियों महंतों की लगातार बैठक आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में एडिशनल पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने मंगलवार को ADCP काशी के कार्यालय में आवश्यक बैठक आयोजित की। इस बैठक में महत्वपूर्ण मंदिरों के पुजारियों और महंतों से बैठक की गई। इस बैठक के बाद साल 1932 से श्री काशी विश्वनाथ सहित 8 शिवालयों और एक देवी को सावन के पहले सोमवार को जल चढ़ाने वाले यादव बंधुओं की समिति चंद्रवंशी गोप समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ भी बैठक की गई और उनकी समस्याएं सुनी गईं। इस दौरान एडिशनल CP ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। बैठक में DCP काशी जोन, ADCP काशी जोन और ACP भेलूपुर भी मौजूद थे। शिवालयों का जो आने वाला मार्ग है, समूची साफ सफाई का पूरा इंतजाम और हमारे जो कलश यात्रा लेकर चलने वाले हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। और जो मान मंदिर घाट पर आलेश्वर महादेव हैं, वहाँ छोटा आकार होने के कारण वहाँ प्रशासन का इंतजाम किया जाए, वहाँ पर उस ऐसा ढंग से किया जाए कि जलाभिषेक करने वालों को सुविधा हो। कमिश्नरेट वाराणसी के जितने महत्वपूर्ण मंदिर हैं उनके पुजारी और महंत लोगों को बुलाया गया था। उन धर्म गुरुओं के साथ व्यापक विचार विमर्श किया गया कि सावन के मेले में विशेष रूप से सोमवार को दिन जो भीड़ आती है उसके मैनेजमेंट को लेकर उनके सुझाव प्राप्त किए गए। जहाँ जो समस्याएं थी उनसे हम लोग अवगत हुए। दूसरा ग्रुप यादव बंधुओं का था जिनके द्वारा सावन के प्रथम सोमवार को परंपरागत रूप से 50 साल से बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया जाता है। उनके साथ बातचीत की गई, उनका जो परंपरागत मार्ग है उसके संबंध में उनसे जानकारी ली गई और उसका मिलान किया गया। और हमारी ये एक अधिकारियों की टीम उनके लोगों के साथ एक दिन आज और कल में पैदल भ्रमण करके जहाँ से वो जल उठाते हैं केदारेश्वर मंदिर के पास से, वहाँ से लेकर के अंतिम गंतव्य स्थल तक के मार्ग का भ्रमण करेगी ताकि पता चल सके कि अगर मार्ग में कहीं कोई समस्या है, कहीं कोई संवेदनशीलता है तो उसका निराकरण किया जा सके।